श्री परमात्मने नमः। जैसा कि हम जानते ही हैं कि नवरात्र के पवित्र दिन चल रहे हैं और इस समय हमें माँ की आराधना मतलब स्तुति वंदना अर्चना प्रार्थना और विनियोग करना चाहिए। इनके सबके करने का मुख्य उद्देश्य मुख्य कारण है कि हमारे अंदर की जो कुंडलिनी माँ है वो जागृत हो। और माँ शब्द जो है बहुत ही पवित्र बहुत ही दिव्य बहुत ही करुणामय स्नेहमय प्रेममय और इस समस्त विश्व का सबसे पवित्र करुणामयी रिश्ता है। और उसी तरह से ये हुई हमारी इस जन्म की माँ, जैसे जो वर्तमान में हमारी माँ है वो हमारी इस जन्म की माँ है, लेकिन ये कुंडलिनी माँ है वो हमारी जन्मों जन्मों की माँ है और ये प्रकृति भी हमारी माँ है। और ऐसा माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति जो है वो गाय के जो बछड़ा गाय का जो बछड़ा होता है उसने अपने मुंह से जो सब पहला वो लिगाड़ा जिसे कहता है माँ, तो उसी के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई है माँ की। हालांकि अगर मेरी दृष्टि से मतलब मैं अपने व्यक्तिगत विचार में तो इससे पहले भी तो माँ रही होगी, तो माँ तो माँ है माँ का कोई ना, लेकिन हाँ गाय में भी उस स्तर की चेतना उसके बछड़े में भी देखने को मिलती है कि वो अपने हजारों गायों के बीच में भी अपनी माँ को ही ढूंढ लेता है आसानी के साथ। तो ये हुई सनातन संस्कृति में गाय की महत्ता। तो हमारी जो माँ है वो बहुत ही करुणामय है दयामय है और इस समय जो समय चल रहा है तो हम उनसे प्रार्थना करें कि हे कुंडलिनी माँ आप जागृत हों, हे कुंडलिनी माँ आप जागृत हों, कुंडलिनी माँ आप जागृत हों। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट रहें और अपने गुरुमध्य पे ध्यान करते रहें। माँ के दिल जैसा संसार में कोई दिल नहीं है, ये माँ हमारी है जो शक्ति हमारी है जो कि आलादनी शक्ति है जो शिव शक्ति हैं जो कि परमात्मा और प्रकृति है, उसी तरह से जो शक्ति है वो बहुत ही दिव्य है बहुत ही करुणामयी है दयामय है स्नेहमय है प्रेममय है। तो हम जब उसको जैसे हम जब हमारी चेतना का स्तर हमारी ऊर्जा का स्तर जब बढ़ता जाता है और जब वो वाइब्रेट करता है तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपने मुंह से माँ शब्द का उच्चारण करते हैं तो पूरे बदन में सिहरन जैसी दौड़ जाती है करुणा का जो करुणामयी जो ऊर्जा है प्रेममयी जो ऊर्जा है वो बहने लग जाती है। तो माँ सबसे दयालु है कृपालु है और अनुग्रह की मूर्ति है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस नवरात्र में माँ के साथ कनेक्ट रहें माँ परमात्मा से कनेक्ट रहें। परमात्मा की ही शक्ति जो है वो माँ है कुंडलिनी शक्ति है, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट रहें और हम जब उनको दिल से पुकारेंगे माँ को अपने दिल से याद करेंगे तो ऐसा कोई नहीं ऐसी कोई वो नहीं है कि वो ना सुने। हम जो भी इस यूनिवर्स को मैसेज देते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को जो मैसेज देते हैं वो पहुँचता है और जो अवचेतन मन की शक्ति है वो भी जागृत होती है। इसके करने से हम जो है देखेंगे कि हमारा जीवन परिवर्तित होने लगा और हमारे अंदर प्रेम करुणा की अनुभूति होने लगी। तो हम दिल से पुकारें ज़्यादा से ज़्यादा जो है एकांतवास और जैसे कि समय चल रहा है तो कठिन व्रत के पीछे ज़्यादा ऊना रहें, जूस ले सकते हैं और हल्का सुपाच्य भोजन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा माँ के सानिध्य में समय बिताएं, क्योंकि अगर वो उनकी कृपा प्राप्त हो गई उनकी आशीर्वाद अनुग्रह हमको प्राप्त हो गया तो इस संसार में कोई भी चीज़ हमारे लिए दुर्लभ नहीं है अगम्य नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होकर के
और प्रकृति माँ से और उस कुंडलिनी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, शक्ति माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः।